हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकैबुलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ न्यूज़पेपर वोकैबुलरी शेयर कर रही हूँ। ये वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने आज के और कल के मतलब 18th और 19th जून के न्यूज़पेपर से लिए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है फेस ऑफ। फेस ऑफ एक नाउन है जिसका मतलब होता है मुठभेड़, संघर्ष, लड़ाई या झड़प। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, स्किरमिश, फाइट, बैटल और कॉम्बैट। मतलब मुठभेड़, संघर्ष, लड़ाई या झड़प। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं अकॉर्ड, एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड और काम। अकॉर्ड, एग्रीमेंट और कॉनकॉर्ड मतलब समझौता और काम मतलब शांति। 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन अ फेस ऑफ विद चाइना इन द गलवान वैली रीजन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में चीन के साथ एक मुठभेड़ में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। तो फेस ऑफ का मतलब मुठभेड़, संघर्ष, लड़ाई या झड़प। नेक्स्ट वर्ड है कैशुअल्टी। कैशुअल्टी एक नाउन है जिसका मतलब होता है घायल, शिकार, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति। मतलब कि जिनके साथ कोई दुर्घटना हुई होती है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं विक्टिम, फैटेलिटी, मॉर्टेलिटी, प्रे और इंजर्ड। मतलब घायल, शिकार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति। आफ्टर द एक्सीडेंट द कैशुअल्टीज वर इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल। दुर्घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तो कैशुअल्टी मतलब घायल, शिकार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज। अप्राइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सूचना देना, बताना या अवगत कराना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं इन्फॉर्म, टेल, नोटिफाई, अपडेट, कन्फाइड, एक्सप्लेन और ब्रीफ। इन सभी वर्ड्स का भी मतलब होता है सूचना देना, बताना या अवगत कराना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं हाइड, कंसील, कवर अप और इलाइड। मतलब छिपाना। ही केम टू अप्राइज अस दैट द वर्क हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। वह हमें यह बताने के लिए या यह सूचना देने के लिए आया था कि काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। तो अप्राइज का मतलब सूचना देना, बताना या अवगत कराना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इन्फॉर्म, टेल, नोटिफाई, अपडेट, कन्फाइड, एक्सप्लेन और ब्रीफ। नेक्स्ट वर्ड है प्री मेडिटेटेड। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोचा समझा, पूर्व नियोजित या जानबूझकर किया हुआ। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं प्लान्ड, इंटेंशनल, इंटेंडेड, डेलिबरेट और प्री प्लान्ड। मतलब सोचा समझा हुआ है या पहले से प्लान किया हुआ है या मतलब कि पूर्व नियोजित यानी कि जानबूझकर किया हुआ। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, स्पॉन्टेनियस, अनप्रीमेडिटेटेड और अनप्लान्ड। मतलब अनजाने में किया गया या जानबूझकर ना किया गया। द अटैक वॉज प्रीमेडिटेटेड एंड पर्टिकुलरली ब्रूशल। हमला जानबूझकर किया गया था और विशेष रूप से क्रूर मतलब कि निर्दयी था। तो प्रीमेडिटेटेड मतलब सोचा समझा, पूर्व नियोजित या जानबूझकर किया हुआ। नेक्स्ट वर्ड है बैलेट। बैलेट एक नाउन है जिसका मतलब होता है मतदान मत या मतदान पत्र जिस पर मतदान
दिया जाता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं वोट, इलेक्शन, पोल, इलेक्ट और रेफरेंडम, मतलब मतदान या मत। द रिजल्ट ऑफ द बैलेट्स विल नॉट बी रिवील्ड फॉर 2 वीक्स। मतदान के परिणाम को 2 सप्ताह तक सामने नहीं लाया जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द बैलेट्स विल नॉट बी रिवील्ड फॉर 2 वीक्स। तो बैलेट का मतलब मतदान, मत या मतदान पत्र, और वैलेट एक नाउन है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके वोट, इलेक्शन, पोल, इलेक्ट और रेफरेंडम। नेक्स्ट वर्ड है सिक्योर। सिक्योर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, उपलब्ध करना या पाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं गेट, ऑब्टेन, रिसीव, गेन, फाइंड और एक्वायर, मतलब प्राप्त करना, हासिल करना या पाना। सिक्योर का मतलब पाना होता है, लेकिन किसी चीज़ को बहुत कोशिशों, परेशानी और मुश्किल से पाना, वहाँ पर हम सिक्योर वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं लूज, मिस, स्पेंड और सिंक, मतलब खो देना या गवा देना। ही वॉज डिसअपॉइंटेड बाय हिज फेलियर टू सिक्योर द हाई पेड जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी। एक प्रतिष्ठित कंपनी, मतलब कि रेप्यूटेड कंपनी में ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी पाने में असफल होने से वह निराश था। तो सिक्योर का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, उपलब्ध करना या पाना। नेक्स्ट वर्ड है अनकंटेस्टेड। अनकंटेस्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्विरोध, अविवादित, मतलब कि बिना विरोध का या बिना विवाद का या बिना चुनौती के। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं अनचैलेंज्ड, अनडिस्प्यूटेड, अनअपोज्ड, अनडिनाइबल और अनक्वेश्चन्ड, मतलब बिना विरोध, विवाद या चुनौती के। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं डिस्प्यूटेड, कंटेस्टेड और डिनाइबल, मतलब विवाद से भरा हुआ। द पार्टी वोन अनकंटेस्टेड इलेक्शंस विद मेजॉरिटी। पार्टी बहुमत के साथ बिना किसी विवाद के चुनाव जीती। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंशन। कन्वेंशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है समझौता, सहमति, रजामंदी या अनुबंध। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एग्रीमेंट, एकॉर्ड, कॉम्पैक्ट, पैक्ट, प्रोटोकॉल और ट्रीटी, मतलब समझौता, सहमति, रजामंदी या अनुबंध। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, वेरिएंस और निगेशन, मतलब असहमति या मतभेद। मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैव साइंड अप टू द जिनेवा कन्वेंशन। अधिकांश यूरोपीय देशों ने जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कन्वेंशन का मतलब समझौता, सहमति, रजामंदी या अनुबंध। नेक्स्ट वर्ड है एस्पायर। एस्पायर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इच्छा करना या चाहना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं डिज़ायर, वांट, होप, एम फॉर, इंटेंट और विश, मतलब चाहना या इच्छा करना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं डिस्पाइस, हेट, डिसलाइक और एवोमिनेट, मतलब नफरत करना, घृणा करना या उपेक्षा करना। ही एस्पायर्स टू बिकम अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी। वह कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता है, यानी कि चेयरमैन बनने की इच्छा करता है। ही एस्पायर्स टू बिकम अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी,
तो एस्पायर का मतलब इच्छा करना या चाहना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिज़ायर, वॉन्ट, होप, एम फॉर, इंटेंट और विश।